Extinction is the law of the nature. And if you want to survive, be an exception. Life starts when your comfort zone ends. The guests of our today's show are the adventure lovers. Welcome to the new episode of Conversation with Supriya. Aaj ke agar hum guest ke bare mein baat kare, so they are the firm believers that we should not fill our life with commodities but with adventures, so that we have stories to tell and not the stuff to show. Daring to dare is the spirit of our today's guests. So let's get started and enroll the journey of expeditions and adventure. So finally, we have the guests of the day. So we welcome Harshita ma'am and Saransh sir, who are the face of Parindo Ka Safar, the community club. Thank you so much for being. Thank you. Big welcome. Hope we are going to have a good, a very enriching and adventurous session with both of you. For sure. For sure. Hello, ma'am, and hello, sir. Hello, ma'am. Welcome to my show. And like, finally, we are going to start now. So, आप बाइक राइडर्स हैं? Yes. Isn't it? तो पहला क्वेश्चन, मोटरसाइकिल क्या है? मोटरसाइकिल जीवन में लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का साधन है और हमारे लिए प्रेम है. Okay, beautiful. मतलब बाइक इज योर लव. हाँ, second. Wife? Right. I was coming to the same and you are very smart. बहुत spontaneous हैं आप. तो आपने जैसे ही मैंने बोला आपने उसका आंसर भी दिया. सर लाइक सबसे ज्यादा जो आपका एक लाइक हिट पॉइंट जो रहा है वो आपका है K2K. आई थिंक इट्स द सेम नेम अगर आपने दिया है. yes. कश्मीर टू कन्याकुमारी आपने टू व्हीलर से ही करा है. ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स का था वो पूरा ट्रिप आपका? वैसे अगर कोई कश्मीर से शुरू करता है और कन्याकुमारी तक आता है तो 3,500 के आसपास का होता है, मतलब ना किलोमीटर्स का. पर क्योंकि हमने कोटा से स्टार्ट किया कश्मीर में भी, अब तो लद्दाख अलग हो गया है, तो लद्दाख में भी जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला वर्ल्ड का, तो वहां से फिर पूरा कश्मीर तक कन्याकुमारी तक आना एंड देन बैक टू कोटा बाइक से आना. तो हमारा पूरा हुआ था 10,100 के आसपास. अच्छा, 10,100. ओह माय गॉड. चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है इस ट्रिप का आपका? सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि जो आपने 1.5 साल में कमाया है उसको एक ट्रिप पे उड़ा देना. इन्वेस्ट कर देना. हाँ, पैशन के लिए. बिल्कुल. अरे वो तो है, वो तो इन्वेस्ट करना. और मतलब दूसरा जो छोटी मोटी दिक्कतें आई कि बाइक खराब हो गई, हालांकि बहुत कुछ सिखाया उस इंसिडेंट ने हमें. हाँ, हमारी बाइक 2-3 दिन ऐसी खराब हुई कि इसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे. मतलब दिल्ली में नहीं है, जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, तो कोटा से शोरूम में से खड़ी हुई बाइक का पार्ट निकाल के बाय एयर भेजा गया हमारे पास, तब जाके वो गाड़ी. बट हम बाइक ओपन कर सकते हैं, खोल के चेक कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब हमें बताएगी क्या होगा, क्या नहीं हो सकता. हाँ, नहीं, इट्स रिक्वायर्ड. नो, देखिए बाइक चलाना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और उसके पूरे मैकेनिज्म को, उसकी पूरी मशीनरी को जाना. हाँ, वो भी बहुत जरूरी है. इट्स अ स्किल, वो भी आपको आना बहुत जरूरी है, वो भी जब आप इतने लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं. ऑल्दो आई शुड नॉट बी आस्किंग, बट स्टिल आई विल आस्क यू, आपने इस पूरी जर्नी में जो आपकी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की रही, आपने कितना स्पेंड करा होगा इसमें? मोटा मोटा अगर देखा जाए, अगर पूरे ट्रिप के दौरान जो एक महीने का था, इसमें 1.5-2 लाख के आसपास का तो खर्चा आया होगा. और प्री एक्सपेंसेस अलग है, मतलब बाइक को उस तरह से तैयार करना, हमारे लिए गैजेट्स, हमारे मतलब बोलते हैं ना गार्ड्स, कि अगर कहीं गिर जाएं तो बच जाएं, कुछ ऐसा नहीं हो, तो बस वो एक अलग पार्ट है. लेकिन राइड का खर्चा 1.5-2 लाख बहुत आया, और वो भी आफ्टर कोविड. राइट, जब इकोनॉमी इतना ड्रास्टिकली शेक हो गया था, उसके बाद भी यू मैनेज. मतलब आप विश्वास तो करते हैं कि वी शुड डेयर. हाँ, डेयरिंग टू डेयर स्पिरिट तो है आपके अंदर, राइट? और पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है. जब हमने राजस्थान राइड करी थी इसके 1 साल पहले, तो पेट्रोल 90 था और वो एकदम से 104 के आसपास पहुंच गया था. तो हम जिस भी शहर में जा रहे थे और हम लोगों ने हर जगह मीटअप किया, एंड पीपल आर लाइक कि भाई इतना क्या जरूरी था कि अभी इतनी हाइक चल रही है पेट्रोल की और अभी करना है तुम्हें. पर जब करना है तब करना है, बाद में तो फिर अफसोस रह जाता है. तो
जरूरी है कि अभी कर ली जाए चीजें? नहीं नहीं, देखिए वो चैलेंज जितना ज्यादा हो उसको उतना ओवरकम करने में मजा भी आता है. देखिए और रिस्क तो लेना पड़ता है. रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. बिल्कुल, दैट्स द फैक्ट. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक वेदर की अगर हम बात करते हैं, आप कुछ ध्यान में रखते हैं ये चीजें कि सूटेबल वेदर क्या रहेगा, मुझे कब जाना चाहिए कब नहीं, या आप बिल्कुल ऐसे रेंडम स्पॉन्टेनियसली आप शुरू हो जाते हैं? दोनों ही चीजें हैं. जैसे K2K में तो हमने देखा जाए तो कुछ भी नहीं सोचा था, बस हमारा एक ड्रीम था कि हमें ये करना ही है किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो, कितनी चैलेंजेस आए, कुछ भी हो करना है. तो उस टाइम पे तो नहीं, पर हाँ अगर इन जनरल जाते हैं कभी जैसे तो देख के जाते हैं कि बारिश हो रही है क्या उस हिसाब से, क्योंकि आपको बाइक्स में भी अरेंजमेंट करने होते हैं, खुद के बैग्स में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, कितने कपड़े जाएंगे क्या जाएगा, कौन सा बैग जाएगा. तो क्योंकि जब हम कार में जाते हैं तो बस ऐसा है कि सामान डाला और निकल गया भर लो. पर जब हम बाइक पे जाते हैं तो फिर, और जब आप बाइक चलाने के बाद आपको ट्रैक भी करना है या आपको कोई प्रॉपर्टी विजिट करके उसका कमर्शियल बनाना है, तो फिर बहुत सारी चीजें होती है जो उस अकॉर्डिंग प्लान होती है कि क्या वेदर है और जाना भी चाहिए उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए. राइट, तो ये सारे मतलब आप फैक्टर्स दिमाग में रखते तो हैं टू एन एक्सटेंट. राइट, अब आई मीन लाइक यू आर अ कपल आल्सो, यू आर शेयरिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, लाइक आपका बैकग्राउंड भी पूरा, आपका स्टडीज कॉलेज एवरीथिंग इज कॉमर्स इजंट इट. उसके बाद आपका ये जो पैशन है टू गो अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑल, वो भी आप साथ में ही करते हैं. तो फिर फर्स्ट टाइम मैम आप बताइए, जब आप सर के साथ फर्स्ट टाइम गए, यू 100% कॉन्फिडेंट टू बी विद हिम और या डाउट्स कंफ्यूजन थे कुछ? कभी भी नहीं रहा? नहीं रहा. इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे था आपको? अच्छा, वो भी टू व्हीलर पे. पता नहीं, बस इस पे तो शुरू से ट्रस्ट था, आग बंद करके कि अगर सारंग को कुछ करना है तो ठीक है कर लो. ओके, तो कभी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं कि यार मतलब कहीं भी उठ के चल देते हो? सी थिंग्स आर डिफरेंट, यू नो, बिफोर यू लाइक जब आप बैचलर हो एंड आफ्टर यू गेट मैरिड, बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है. तो कभी बोला नहीं किसी ने घर पे क्या है ये, लाइक वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ. और हम लोग क्योंकि हम जानते भी बहुत टाइम से एक दूसरे को, स्कूलिंग हमारी साथ ही हुई है तो, और फिर कोचिंग्स भी साथ थी, तो हम 12th से या 9th से जानते हैं एक दूसरे को. हाँ. बहुत लंबा अरसा निकल गया, वेरी लॉन्ग जर्नी. तो फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती है कि हाँ क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, साथ में जाते हैं. तो मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, अभी भी है. हाँ. लेकिन ठीक है. नहीं नहीं, होना भी चाहिए. देखिए हाँ, नहीं वो तो एक पेरेंट को स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और जो भी आज है सब उनकी बदौलत ही है. एग्जैक्टली. नाउ सर, कमिंग बैक टू यू, आप क्या प्रेफर करते हैं, लाइक सिंगल राइड प्रेफर करते हैं या यू प्रेफर कि कोई पैसेंजर बैठे? मेरे साथ तो एक ही हर्षिता बैठे तो सबसे बढ़िया है. अच्छा, दैट इज द बेस्ट. हां हां हां, बट फिर भी मतलब सिंगल आप राइड कर रहे हैं, सिंगल राइडर हैं आप, और जब आप किसी को साथ में लेके जा रहे हैं, क्या डिफरेंसेस आपको फील होते हैं दोनों जर्नी में अपनी? मतलब कोई पीछे बैठा है या फिर अलग बाइक? आप अकेले जा रहे हैं, मतलब पीछे कोई साथ में नहीं? पिलियन नहीं है, तो ऐसा रहता है कि फिर वो एक ईयरफोन लगाया एक कान का, उसमें आवाज बिल्कुल कम करेगी, बस पता लगे कि क्या चल रहा है और वो चलता रहे. क्योंकि और अगर कोई साथ में है तो एक बहुत इजी हो जाता है. मतलब मान लो आपको आपकी बाइक खराब हो गई या फिर कोई ऐसा पैच आ गया जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि निकलेगी नहीं निकलेगी, तो बहुत इजी हो जाता है चीजें मतलब मैनेज करना. दो लोग रहते हैं तो थोड़ा दो लोग रहते हैं तो हमेशा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है. हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, वो बोलते हैं ना एक और एक 11 होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, तो वो होता है, एक्चुअली होता है वो. मतलब आप कोई भी काम आप करो, आपको अकेले में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20 हो जाता है. बट व्हेन देयर आर टू पीपल, नो गलत भी कर रहे हो ना, ये स्पिरिट जाग जाती है. मतलब इफ आई जस्ट टेल यू वन केस, इफ यू टॉक अबाउट पनिशमेंट्स, स्कूल टाइम की पनिशमेंट, अकेले मिलना बड़ा एम्बैरेसिंग होता था. अरे बहुत चाहिए. अरे भैया, अकेले अगर पनिशमेंट मिल गया तो इट्स वेरी टफ. एक साथ में अगर कोई मिल जाए जोड़ीदार, तो इट वाज अ गुड टाइम पास कि मेरे साथ कोई है. मुझे तो बहुत मारा टीचर. तो ऐसा कभी हुआ है कि दोनों को साथ में पनिशमेंट मिला? नहीं नहीं, ये तो पढ़ने वाली बच्ची थी. सेक्शन अलग थे हमारे, फिर ये तो बहुत स्टूडियस थी, मैं थोड़ा ऐसे मस्तीखोर था. ओके ओके ओके, राइट सर. सो नाउ इफ लाइक वी टॉक अबाउट द ईयर 2017, इंडीड इट्स अ हॉलमार्क ईयर, आपकी लाइफ का एक हॉलमार्क ईयर है, बिकॉज इन दैट ईयर यू स्टार्टेड योर दिस कम्युनिटी क्लब परिंदों का सफर. राइट, तो अभी तो इतने साल हो चुके हैं आपके क्लब को, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ऐसा क्या है आपके दिमाग में कि वी शुड स्टार्ट दिस क्लब? ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ.
मतलब मुझे ऐसा था कि शुरू से कुछ करना था जीवन में कि अलग करेंगे। मतलब मुझे ऐसा था कि यार जो जीवन मैं देख रहा हूँ लोगों का, मुझे ऐसा नहीं जीना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग गलत जी रहे हैं, पर मुझे नहीं जीना था, मुझे कुछ अलग करना था। उसके साथ साथ मेरे को लिखने का बड़ा शौक था उस टाइम पे, अभी भी है ऑल्दो। तो मुझे मुझे लिखना था कि मुझे तो राइटिंग करनी है, लिखना है। अब बस ये है कि लिखना है, और जीरो है इसके कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना होता है, उसमें कोई आइडिया नहीं। फिर मैं एक दो वॉक हुई शहर में, मैं अपने जैसे लोगों से मिला। मुझे एक दिन, मैं नॉर्मली चंबल संदेश के बाहर से निकल रहा था, तो मुझे लगा कि इनसे बात कर लेते हैं, और कोई आइडिया नहीं है क्या बात करनी है उनसे। तो संजय शर्मा सर हैं, अभी भी शायद वहीं के एडिटर हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे लिखना है, तो क्या लिखोगे? मैंने लोगों के बारे में लिखेंगे जो कुछ करना चाहते हैं आर्ट में, ट्रैवल में, जिन्होंने कुछ किया हो, कि ठीक है आ जाना एक बार बात कर लेते हैं। और उन्होंने बोला कि लिख देंगे। और मतलब मेरे लिए, जिसको कल ये पता नहीं था कि लिखते क्या हैं, कैसे लिखना है, वो बंदे को उन्होंने फ्रंट पेज दिया। और चंबल संदेश का न्यूज़पेपर आता था संडे का, अलग से एक जैकेट आता था, मतलब उसके ऊपर का जो पेपर होता है उस पे 40-45% मेरा आर्टिकल होता था, कोटा के परिंदे नाम से। और किसी भी एक व्यक्ति की कहानी, मान लीजिए जैसे आप ही हैं और आपने कुछ आर्ट या ट्रैवल में कुछ ऐसा किया है जो कि रिमार्केबल है, और लोगों को पता लगना चाहिए इनकी स्टोरी, और जिससे वो मोटिवेट हो सके कि अगर इन्होंने करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से मेरी लिखने की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ लोगों को और जोड़ें, एक कम्युनिटी बिल्ड हो ताकि थोड़ा मजा आए। फिर हर्षिता को मैंने बोला कि हर्षिता जी ऐसे कुछ करना है, अगर आप साथ दो तो बताओ। तो इसने बोला कि जो करना है करते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया। एलवी स्कूल है, वहां पे एक सेमिनार रखा था हम लोगों ने, हमारा फर्स्ट इवेंट हमारा फर्स्ट इवेंट वो था। हमारे जैसे ही चार लोगों को हमने बुलाया, हालांकि वो लोग बहुत बड़ा नाम थे तब भी और अभी भी, और उनकी स्टोरीज उन्होंने लोगों को बताई। और वो ऐसा दिन था जब हमें लगा कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो होगा झेलेंगे और करेंगे इसको बढ़िया से। बस तब से चल रहा है। ओके सो लाइक द नेम इज वेरी इट्स टू गुड, लाइक डिफाइन करता है वो पूरे आपके काम को, आपके कम्युनिटी को, वेल डिफाइंड नेम, परिंदों का सफर। परिंदों के सफर के साथ में लाइक आपने एक छोटी सी एक बर्ड बनाई है ना, तो आप बर्ड लवर तो हैं डेफिनेटली, दैट आई नो। वो बर्ड कौन सी है? पता नहीं, अच्छा क्योंकि उसका लोगो भी हमने नहीं बनवाया। मतलब मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, दोस्त भी नहीं कह सकते उसको, तो मतलब वो सिर्फ जानता था हमें, उसकी छोटी बहन हमारी दोस्त थी। मैंने बोला यार उस टाइम पे पैसे ही नहीं थे मैम करने के लिए कि क्या करना है, कहाँ से लोगो बनेगा, क्या करेंगे। तो मैंने उसको बोला भाई इसका लोगो बना दे और कुछ अच्छा सा एक पोस्टर बना दे, हम कोई इवेंट करना है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। तो उसने वो लोगो बनाया। और दैट बर्ड, वो सिर्फ बर्ड्स, जो असली बर्ड्स उसका सिंबल नहीं है, वो सिंबल है एक हर व्यक्ति के अंदर जो बिलीव है खुद का कि मैं कुछ कर लूंगा। वो पक्षी उसको दर्शाता है हमारी नजरों में, ओके ओके तो ओके ओके मतलब वो तो कुछ भी हो सकता है। नहीं सी, बट आई विल टेल यू माय वर्जन। लाइक आई सॉ दैट बर्ड और मुझे ना उसका ग्रीन लीफ भी है उसके मुंह के अंदर, उसने बीक में एक ग्रीन कलर का लीफ पकड़ा हुआ है। सो आई थॉट कि लाइक इट इज डव, दैट इज हाउ आई रिलेटेड है ना। ऑल्दो मतलब आपका परसेप्शन अलग होगा, मैंने देखा तो मुझे वही लगा कि प्रोबेबली वो डव है, एंड डव इज द सिंबल ऑफ पीस। तो मुझे लगा पीसफुल से गेस्ट्स हैं हमारे जो आज आ रहे हैं, थोड़े से मतलब ठीक है एडवेंचरस बट विद पीस एंड ऑल। अब बर्ड्स की अगर बात आ रही है तो आप बर्ड वॉचिंग करते हैं सर? बहुत ज्यादा नहीं, पहले बहुत करते थे। ओके स्टार्टिंग में तो मतलब क्योंकि हमारा इन एंड अराउंड भी वाइल्ड लाइफर्स फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आफ्टर कोविड थोड़ा आफ्टर कोविड थोड़ा कम हो गया है, दोनों का ही कम हो गया है, लेकिन अब वापस से वो पिछले 2 महीने से शुरू किया है। सफारीज पे जाना और वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा थोड़ा देखना, उनका फोटो लेना। ओके तो मैम आप भी लाइक इवन यू गो फॉर बर्ड वॉचिंग एंड ऑल? हाँ मोस्टली हम लोग सब साथ हम साथ ही करते हैं जो भी करते हैं। अच्छा तो उसके लिए कैमरा और मेरे बिना कहीं नहीं जाता। अच्छा मैं सारंज के बिना कहीं नहीं जाती। अच्छा तो मतलब दोनों साथ में ही जाते हैं जो भी सारे एक्सपेडिशन आपके रहते हैं, कैंप्स। सुबह 3 बजे उठना हो या दिन में 3 बजे जाना हो, मतलब अच्छा, वो तो साथ ही करना है। तो आप बर्ड वॉचिंग आप एंजॉय करते हैं क्या? हाँ तो क्या चीजें होती है मतलब कैसे, मतलब कि आप एक बर्ड है वो पानी पी रही है, उड़ रही है या बैठी है, या सपोज लाइक एक वुड पेकर है, शायद मैंने आपके एक वीडियो में देखा था बहुत सारी बर्ड्स थी उसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंड रेयर बर्ड्स वर देयर,
तो अगर वुड पेकर है वो लाइक कंटिन्यूसली बीक मार रही है ना, तो सिंस यू आर नेचर लवर्स बर्ड वॉचर्स, तो आप शायद बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएंगे. सो आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप एक बार डिफाइन करें कि बर्ड वॉचिंग कैसे इंटरेस्टिंग है. मतलब मैं एक लेमैन हूँ, मतलब एक वुड पेकर है वो, ठीक है वो बैठी है पेड़ पे, वो कंटिन्यूसली बीक मार रही है मार रही मार रही, तो व्हाट इज देयर कि आप उसको देखो मार रही है और क्या देखो मैं इसके आगे, आप क्या देखते हो, आपका क्या एंगल होता है? एक्चुअली क्या है, वो हर कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता. तो अगर आप जा रहे हो ठीक है, लग रहा है एक बार एक दो बार जब मैं स्टार्टिंग में गई थी, मतलब तुम क्या कर रहे हो. एग्जैक्टली वही मैं जानना चाहती हूँ कि वो इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, एक्स फैक्टर क्या होता है. मैं बोर हो चुकी हूँ, मतलब तुम बहुत देर से फोटो क्लिक कर रहे हो, मैं परेशान हो रही हूँ, चलना नहीं क्या यहाँ से. फिर जब धीरे धीरे इंटरेस्ट आए कि हाँ वो सुंदर लग रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब दिमाग इतना शांत हो जाता है उसको देख के कि हाँ बस अच्छा लग रहा है. धीरे धीरे क्या होता है ना मैम कि फिर आपको उनके नाम याद होने लग जाते हैं. हाँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ जैसे एक बर्ड है फ्लाई कैचर बोलते हैं उसको, बड़ी सुंदर सी बर्ड है. तो जब हमें किसी ने इंट्रोड्यूस किया बर्ड फोटोग्राफी से, तो मुझे भी मतलब जीरो नॉलेज थी. फिर धीरे धीरे उनके साथ रह के कि ये कैसे उड़ेगी, इसका क्या खाएगी, कैसी जगहों पे मिलेगी, मतलब पानी वाली जगहों पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा हैबिटेट होता है, तो उससे फिर थोड़ा 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 वो जैसे मुझे किंगफिशर समझ में आने लगी, फ्लेमिंगो समझ में आने लग गया, वल्चर समझ में आने लग गया कि हाँ अब आइडेंटिफाई होने लग गया, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अब मुझे देखना है कि और कौन सी बर्ड्स होती है. एक स्लो जर्नी है. एक दो बर्ड्स के अगर आपको नाम पता लग गए तो फिर आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है. और ये आई मीन ये हर एक बर्ड बर्ड्स जो होती होंगी ये डेफिनेटली वैरी भी करती होंगी अपनी हैबिट्स में, वॉकिंग स्टाइल उनका, मतलब फ्लाइट लेने का स्टाइल है ना. तो यही सारे की पॉइंट्स रहते होंगे जो आप ऑब्जर्व करते होंगे, आप कहीं नोट भी करते होंगे डेफिनेटली. तो फिर भी कम करते हैं, मतलब ना हम लोग बर्ड लवर्स हैं या वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, लेकिन हम लोग इतना डिटेल में तो टू बी वेरी फ्रैंक नहीं जाते. लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनके साथ हम लोग जाते थे, जिन्होंने हमें थोड़ा सिखाया है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को देखते हैं. मतलब हमारा, क्योंकि मैं तो फोटोग्राफी के पर्पज से जाता हूँ, लेकिन जो लोग हमारे साथ जाते थे वो कंजर्वेशन के पर्पज से जाते थे. उनके लिए फोटोग्राफी सेकंड है, पहले ये है कि उसको कंजर्व करना. जैसे उमेदगंज है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे सारस हुआ करते थे, तो पहले वहाँ पे तीन जोड़े दो जोड़े हुए करते थे. अब वो दिखते हैं तो एक दिख रहा है या बहुत कम हो गए हैं, पहले उनके बच्चे भी वहाँ हुआ करते थे. तो जो हमारे साथ लोग जाते हैं उनका मेन मोटिव ये है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि जैसे उनका हैबिटेट है तो उनका हैबिटेट ना बिगड़े, या उनको डॉग से बचाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कैसे हेल्प मिल सकती है, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं. पर हमें तो ये कि हमें फोटोज लेने हैं या हमें उनकी हेल्प करनी है, अगर किसी भी अवेयरनेस के थ्रू या हम कुछ कर पाए उनके लिए. जैसे हम लोगों ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम किया है, मुकंदरा हो गया या कोटा डिवीजन हो गया, तो इवन एक बार सांभर में भी हम लोगों ने, रणथंभौर में भी है अपना, रणथंभौर में भी है. रणथंभौर हम लोगों ने कभी घूमा हुआ है लेकिन उनके साथ काम नहीं किया. लेकिन यहाँ के डिपार्टमेंट्स में तो हम लोग बहुत एक्टिव थे, और कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया, अब वापस मतलब बैक टू ट्रैक आ चुके हैं. ओके ओके राइट. सो लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट फॉर कैंप्स, जंगल सफारी एंड ऑल, सो देयर माइट बी मेनी एनिमल्स कमिंग अराउंड, है ना. तो आपने टाइगर, चीता, ये सब, बेयर, ये सारे एनिमल्स आपने देखे हैं फोटोग्राफी वगैरह में, यू हैव कैप्चर्ड देम, पर टाइगर्स, बेयर्स, पैंथर्स सब देखे हैं. ओके तो देखिए व्हिच वन, हाइना. अच्छा हाइनास आल्सो राइट. हां हाइनास होते हैं और रेनडियर्स वगैरह भी काफी, रेनडियर्स, ऑटर्स, क्रोकोडाइल्स, यस यस, ये सब तो क्योंकि हम इतने रिच जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलती है, टाइगर्स छोड़ के. और आने वाले दिनों में शायद हम रामगढ़ विजधारी हो गया या मुकुंदरा हो गया, तो यहाँ पे भी टाइगर्स आएंगे. सही, यहाँ पे भी अभी है लेकिन ओपन नहीं है, तो ये भी एक दिन रणथंभौर की तरह डेवलप होगा, नो डाउट. राइट. तो सर आप ये चीज बताइए, जैसे यू आर वेरी क्लोज टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या आपको बहुत पसंद आते हैं इनमें, जानवरों में, चिड़िया में, क्या चीज है? इसको कभी सोचा नहीं मैम, मतलब बताएं तो किसको ऐसा कभी देखा नहीं. बस ये है कि एक कामनेस दिखती है उनमें, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं ना. अब जैसे हम लोग लास्ट संडे को ही चंबल घड़ियाल सेंचुरी में गए थे, तो वहाँ पे बोट्स के थ्रू आप देखते हैं. तो भालू है, बहुत ज्यादा नोटोरियस एनिमल है, पर वो बहुत दूर बैठा है, तो उसको बस हम देख रहे हैं, वो हमें खड़े होकर देख रहा है, तो वो अलग ही है. मतलब अगर 10 सेकंड भी आपने देख लिया ना, तो आपकी लाइफ में पता नहीं क्यों इतना
एनर्जी आ जाती है, मतलब हम लोग जवाई तक, जवाई इज बहुत दूर है, 400-450 किलोमीटर पाली के आसपास कुछ है, तो हम लोग जवाई जाते हैं, वहां देख रहे हैं, रणथंभौर जा रहे हैं, झालाना जा रहे हैं, बस इसलिए जा रहे हैं कि दिख जाए, और नहीं भी दिखता। जैसे हम लोग मुकुंदरा में गए थे, जब गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंसर्स, फोटोग्राफर्स और जितने भी हमारे मीडिया वाले लोग हैं उन सब के लिए सफारीज ऑर्गेनाइज की थी बहुत टाइम पहले, बिफोर कोविड, तो हमें नहीं दिखा, लेकिन जो एक थ्रिल है कि उसे देखना है, तो वो थ्रिल ही सफिशिएंट है। मतलब और जब आप किसी बर्ड को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो इतना काम रहती है, और मतलब आपको पेशेंस सिखा जाती है, क्योंकि वो तो अपनी जगह से हिलेगी ही हिलेगी, आपको बैठ के उसको वॉच करना है कि वो कब बैठेगी, कब उसका फोटो लेना है, कब सही रहेगा। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो लाइफ में सीखनी चाहिए। राइट मींस कामनेस, पीस, ये तभी मिलता है, यस, पेशेंस व्हेन वी आर नियर टू द नेचर, बहुत ज्यादा। और एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो दे आर अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उनको कुछ पता ही नहीं कि आईफोन भी कुछ है, है ना, तो वो बेचारे प्योर हार्टेड सोल्स हैं, उनको मतलब ही नहीं। यस, तो यस वी गेट दोस वाइब्स फ्रॉम देम, समथिंग यू कैन से, राइट, प्योरिटी, इनोसेंस आप बोल सकते हैं, सेम पहाड़ों के साथ है। हाँ, हाँ, विल गेट बैक टू दैट आल्सो। सर, इफ यू टॉक अबाउट 26 जनवरी 2018, तो उस समय आपको टूरिज्म एंड आर्ट प्रमोशन की तरफ से कोटा डिस्ट्रिक्ट में आपको अवार्ड मिला था, एंड देन सेवरल अवार्ड्स यू हैव गॉट फ्रॉम वेरियस टूरिज्म एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ऑल, तो वो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टूवर्ड्स एनवायरमेंट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड? टूवर्ड्स एनवायरमेंट थोड़ा कम रहा, लेकिन टूवर्ड्स टूरिज्म प्रमोशन तो बहुत रहा। मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था शहर में, तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि कोई ट्रिप कहीं जा रहा है शहर से, मतलब फैमिलीज जाती थी नो डाउट, या दोस्त दोस्त कहीं चले गए, पर अनजान लोगों के साथ आपको कोई जगह एक्सप्लोर करने जानी है, वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कल्चर ही नहीं था। मतलब ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैंपिंग क्या होती है, फोटोग्राफी में कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो किसी को कुछ आइडिया नहीं था। लोग अपने लेवल पे करते थे, पर एक कम्युनिटी जीरो थी, उस कम्युनिटी को हमने बढ़ाया टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, हमने एसोसिएशन में 3-4 इवेंट्स किए लगातार, और ट्रैक्स करवाए, एग्जीबिशंस करवाई, आर्ट रिलेटेड चीज़ें करवाई, लोगों को घूमने के लिए इंस्पायर किया कि चलो घूम के आते हैं, साथ में जाएंगे, मतलब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ऐसे 50 लोग हैं उस बस में, वो 50 लोग साथ में जा रहे हैं, तो एक एक शहर में बूम आया कि यार ऐसी भी चीज़ें हो सकती है क्या जो बाहर होती है। फीमेल कैटेगरी ज़्यादा थी और फीमेल कैटेगरीज, तो मतलब हमको लगता था कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक दिक्कत आएगी कि लोग अपने बच्चों को या लड़कियों को खासकर नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ पैसा उनको शायद पेरेंट्स को दिखा हुआ कि हमारे बच्चे सेफ रहेंगे इनके साथ, तो उन्होंने मतलब पेरेंट्स आते थे, कपल्स आते थे, बच्चियां आ रही हैं, फादर्स अपने डॉटर्स को छोड़ के जा रहे हैं बस में कि भैया के साथ ही रहना, दीदी के साथ ही रहना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और उसको जब हम लोगों ने करना शुरू किया तो धीरे धीरे पहचान मिलती गई, हमने द हिडन कलर्स ऑफ राजस्थान करके सीरीज निकाली लगातार 2-3 साल, जिसमें जो जगह राजस्थान में, पहले तो कोटा में जो जगह लोगों को कम पता है या पता ही नहीं है, उन जगहों पे लेके जाना, उसको एक्सप्लोर कराना, उसके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाना। अगर कुछ नेम्स आप बताएं, कुछ ऐसे कड़पकी खाल नाम से एक जगह थी जो ज्यादा लोगों को पता नहीं थी, ये मुकुंदरा में कोलीपुरा रेंज आती है, उसके बाद एक जगह आती है जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वो पूरा हमने ट्रैक किया, वापस आए, उसमें हमें बहुत सारी बर्ड्स दिखी, एनिमल्स दिखे, और एक सेलजर करके एक जगह थी, जब हम मुकुंदरा ओपन था लोगों के लिए, तो उसकी स्पेशल परमिशन ली थी हम लोगों ने कि हम लोगों को दिखाना है लोगों को, सेलजर एक जगह है, और शारबाग हमारा जो है जो बंद है अभी, महाराजा साहब की प्रॉपर्टी है, और तो वो बंद था, तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि लोगों को देखने दिया जाए। अच्छा। क्योंकि एक समय पर ओपन था, लेकिन हम बचपन में तो गए थे, लेकिन अभी की जो जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा, तो वो हमने 2-3 बार खुलवाया कि कृपया करके इसको खोलो और लोगों को देखने दो कि कितनी सुंदर जगह एग्जिस्ट करती है हमारे शहर में। राइट, तो वो एक जगह है। दूसरा बूंदी, वैसे तो आप बोलोगे कि बूंदी तो मैं हुए आए बहुत बार, पर बूंदी एक ट्रैवलर की नजर से देखना कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिल सकता है खाने के लिए, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हाईलाइटेड नहीं है, उन पे भी हम लोग होके आए, उनकी वीडियोस लो, उनके फोटोज लो, कि हमने एग्जीबिशंस लगाई, तो फिर वो पहले कोटा में किया, फिर राजस्थान लेवल पे किया,
अलग अलग जगहों पे, तो झालाना करके जगह है जयपुर में, जयपुर के लोगों ने ही नहीं दिखी होगी उस टाइम पे। ओके। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते थे लोग जाते थे, पर आज देखे तो अब तो काफी अवेयरनेस उस जगह को लेकर। तो झालाना कराया, बांसवाड़ा में पहला ट्रिप हम लोगों का गया, जो सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वहाँ के राजा साहब, वहाँ के गवर्नमेंट कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, पीआरओ सर, पूरा दो दिन तक उन लोगों ने इतना प्यारा सपोर्ट दिया ना हमें, कि मैं मतलब वीआईपी वाली फीलिंग आई थी। मतलब हम रुके भी, उन्होंने हम लोग विजिट करवाया, हम सर्किट हाउस में रुके, हम लोग। अच्छा। तो अपने आप में ही, हम लोगों के साथ 20 लोग गए थे उस टाइम पे, अपने आप में अलग फीलिंग थी। राइट राइट। तो आपका बेस्ट राइड आज तक का कौन सा है? मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी ही बोलूंगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी ओनली। तो इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी फेस करी अगर आपने? टचवुड, अभी तक तो नहीं करी। राइट, टचवुड। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कुछ कि कभी। जरूर हम लोग वहाँ गए थे जब कौन सा था, पास ले के बाद खारदुंगला हम लोग जब चढ़ रहे थे, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, पहले फर्स्ट हुआ करता था, तो फिर उमलिंगला जब बना तो वो सेकंड हो गया। तो वहाँ जरूर थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग एक तो भीड़ इतनी हो जाती है हर जगह पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार लोगों को। क्या कह सकते हैं। राइट राइट राइट। अब जैसे कि आपको आदत है हाईवेज पे जाने की, माउंटेन एरियाज या जो भी है अपने ऐसे एरियाज में घूमने की, सो सिटी में ट्रैवल करना इन योर बाइक, ऑन योर बाइक सॉरी, कैसा लगता है? मतलब मुश्किल लगता है, अजीब लगता है थोड़ा सा? थोड़े दिन पहले मैं यही बोल रही थी, या तो इनको बाइक चलानी नहीं आती या हमें चलानी नहीं आती। ये होता है क्योंकि बीइंग अ राइडर ज्यादा, मतलब हम ये ट्राई करते हैं कि 90% रूल्स हम लोग फॉलो करें, और जब हम देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी हॉर्न करके घुस रहा है, या एक गाड़ी पे चार, हमने भी किया, वैसे नहीं कहता कि हमने नहीं किया, मैं अपने टाइम पे तो बहुत ही बुरा था हेलमेट नहीं लगाना। लेकिन जब जैसे एक प्रवीण भी आए हमारे, जब मैं उनसे मिला तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सेफ राइडिंग प्रैक्टिसेस जरूरी है, क्योंकि आप खुद को भी डेंजर में डाल रहे हो, साथ में जो आपके पीछे बैठा है या जो आपके साइड में चल रहा है आप उसको भी डेंजर में डाल रहे हो। तब हम लोग बहुत सिंसियर हो गए, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब बिना हेलमेट के राइड मतलब बाइक चलाई होगी लास्ट टाइम। मतलब अगर पड़ोस में भी जाना है तो मैं हेलमेट लेके ही निकलता हूँ। ग्रेट ग्रेट सर, सो इट्स अ वेरी बिग मैसेज, हेलमेट जरूर चाहिए, पहनना चाहिए। एक इंसिडेंट में सर यहीं पर ही आपके साथ शेयर करूंगी, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ राइडिंग प्रैक्टिसेस, आई वुड डेफिनेटली लव कि आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। एक रीसेंट इंसिडेंट है बिल्कुल, लाइक द चाइल्ड वॉज नॉट इवन 18, तो लाइसेंस का तो सवाल ही नहीं, लाइसेंस था नहीं, एंड ही वॉज गिवन अ टू व्हीलर बाय द पेरेंट्स, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज देयर, आई मीन ही वॉज नो मोर ऑन द स्पॉट इटसेल्फ, वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को या जो भी बड़े हैं, कि मतलब एक छोटा बच्चा जो है शायद 15 साल का मैक्सिमम, 14-15 साल का, और आजकल देखिए हो रहा है हमारे फैमिलीज में, इट हैज बिकम अ ट्रेंड नाउ, और अगर आप 15 साल के बच्चे को एक नई बाइक या एक नई स्कूटी भी लाकर दे रहे हो ना, तो इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ नया नहीं है, तो लग रहा है कि बहुत कॉमन सी बात है। तो इसके लिए मैं स्पेशली चाहूंगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग चीज, आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप जरूर दें। मैम क्या है ना कि अब जो हमारे पेरेंट्स थे ना, हमारे पेरेंट्स तो मतलब भयंकर हुआ करते थे तो मतलब मुझे तो 11th 12th तक भी उन्होंने गाड़ियां नहीं देती, मैं साइकिल से जाता था तो ऐसा कोई डर ही नहीं था। हालांकि साइकिल पे भी ऐसा नहीं कि आप बहुत सुपर सेफ है या कुछ, और खुद में भी हमें वो चीज़ थी कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि किसी को दिक्कत आए या हमें दिक्कत आए, हम गिरे हैं पड़े हैं कुछ भी हो। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि बच्चे ने जिद करी कि पापा बाइक चाहिए, और जो आपने बोला बिल्कुल सही है, हम लोग देखते हैं ना कि 18 साल का भी नहीं हुआ बच्चा, 15-16 साल का बच्चा है, वो KTM लेके घूम रहा है या वो इनफील्ड लेके घूम रहा है, तो वो तो बहुत गलत है। मतलब आप खुद उसको, बच्चे को भी, और चलो घूम भी रहा है, मैं मानता हूँ कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको उसको बाइक दिलानी ही पड़ेगी या स्कूटी दिलानी ही पड़ेगी, तो आप फिर ये इंश्योर करो कि वो एक तो सेंसिबल चलाए, दूसरा वो हेलमेट लगा के चलाए, और जो हम लोग बोलते हैं कटबाजी ना करे या ऐसा कुछ ना करे जिससे खुद को भी दिक्कत हो और दूसरों को भी दिक्कत हो। मतलब अब क्योंकि ना, जैसे मान लो किसी को जाना है कोचिंग जाना है, 10 किलोमीटर उसी कोचिंग पड़ती है,
तो उसको शायद हो सकता है कि आपकी मजबूरी आपको दिलाना ही पड़ेगा, है ना। मतलब एक 18 का है रूल मैं मानता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि मेरे फादर या मदर कहीं जॉब पे जा रहे हैं, तो मैं पॉसिबल नहीं है कि रोज 10-12 किलोमीटर साइकिल चला के जाऊंगा, 10-12 किलोमीटर साइकिल चला के आऊंगा आज की जनरेशन में, तो मुझे दिलाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप दिला रहे हो तो आप ये भी इंश्योर करो कि वो थोड़ा सेंसिबल हो, उसको कैसे कैरी करना है उस व्हीकल को उसको आता हो, ताकि ना वो खुद के लिए डेंजर बने ना दूसरों के लिए डेंजर। एग्जैक्टली, सेफ राइडिंग प्रैक्टिसेस, आई मीन विद इन द सिटी, और जब आप ऐसे बड़े बड़े एक्सपेडिशन के जा रहे हैं उस पर अगर आप कुछ बता सके। हम लोग हर साल एक इवेंट करते हैं कोटा ऑन व्हील्स नाम से, उसमें बस इस शहर में राइड करते हैं हम लोग, कहीं नहीं जाते, शहर के बाहर भी नहीं जाते, मतलब सिटी राइड बोल सकते हैं, सिटी राइड रहती है। और उसमें आप मान के चले शुरू में हम लोग करते थे तो 100 लोग, अब अगर आज हम लोग डालेंगे तो 150-200 लोग आराम से आएंगे, क्योंकि लास्ट जब हमने एक्सपीडिशन करा था ये वाला तो 150 ऐसे कुछ राइडर्स थे हमारे साथ। तो वो सब इसीलिए आते हैं कि बोल सकें, दिखा सकें कि शहर में इतने सेंसिबल लोग भी हैं जो हमेशा हेलमेट पहन के चल रहे हैं। और मतलब उसमें लड़कियां भी आती है, उसमें मतलब बहुत बूढ़े लोग भी आते हैं जो बिल्कुल एजड हैं, लेकिन उनमें क्योंकि राइडर्स हैं तो एक हमारे प्रशांत सर हैं, एक आलोक सर हैं जो बहुत एजड हैं, वो लोग भी आते हैं। तो हम सबका यही मैसेज जाता है हमेशा कि प्लीज़ अगर आपको चलना है तो हेलमेट पहन के चलो, ओवरटेकिंग मत करो, कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे आपको दिक्कत आए या किसी और को दिक्कत आए। तो और इसके लिए हम लोग ना जैसे हम लोग राइड्स भी रेगुलर करते हैं, जैसे आप मान के चलें हम एक साल में नहीं नहीं करके 40-50 राइड्स करते होंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ट्रैक्स के लिए, अलग अलग सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहता है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, इवन यू आर पिलियन, हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। हम उनको पैसे रिफंड करते हैं और वापस भेज देते हैं कि आप कर जाओ, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हमारे साथ चलोगे। ओके, हाँ, मतलब ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है हम लोगों में। राइट राइट, नहीं नहीं, दिस इज वंडरफुल, लाइक आई विल टेल यू, ये तो बहुत अच्छा आपका आइडिया लगा मुझे कि आपका हर ईयर का बोल लीजिए या मंथली जो भी एक आपका एजेंडा रहता है कि हम पूरे सिटी में घूमें फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि आप जब टू व्हीलर राइड कर रहे हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए। सो दैट्स ग्रेट सर। इफ यू टॉक अबाउट द बाइक लवर्स, जैसे इतनी लंबी लंबी जर्नीज आपने कवर करी है ऑल वे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो क्या क्या प्रोटेक्टिव गेयर आर मस्ट, कि ये तो आपको ले जाना ही चाहिए। जब आप इतने लंबे राइड पे रहते हैं तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके हेलमेट से लेके आपके जूतों तक, जो शूज हम लोग नॉर्मली पहनते हैं वो हम लोग राइड्स पे नहीं पहन सकते, मतलब उसके लिए आपको अच्छे शूज चाहिए, अच्छे ग्लव्स चाहिए, एल्बो गार्ड्स चाहिए, नी गार्ड्स चाहिए, जैकेट अच्छी चाहिए जिसमें मिनिमम लेवल 2 के आर्मर हो, ताकि अगर आप गिरे भी सही तो जो भी नुकसान हो उसमें हो, ना कि आपके बॉडी में। मतलब मेरी खुद की लापरवाही ये रही कि मैं एक बार राइड पे गया था, हेलमेट मैंने पहन रखा था, अभी कुछ दिनों 2-3 महीने पहले की बात है, पर मैंने गार्ड्स नहीं पहन रखे थे और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरे फ्रैक्चर है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, अभी कुछ दिन 1-1.5 महीने पहले ही प्लास्टर खुला है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा मतलब पहनते हैं, लेकिन पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने उस दिन नहीं पहना कि चलो यहीं तो जा रहे हैं, बूंदी तो जा रहे हैं, हेलमेट पहन लिया, बाकी चीजें नहीं पहनी, लेकिन उसी दिन गिर गए। और अच्छा, तो आप अकेले थे? मैं अकेला ही था। गुड, अगर मैं होती तो गिरते ही नहीं। अगर ये होती तो नहीं गिरते, क्योंकि उस दिन मैं अपनी बाइक भी नहीं चला रहा था, मेरे फ्रेंड की बाइक, मैंने ऐसे पता नहीं क्यों मैंने उसको बोला कि ला तेरी बाइक में चला लेता हूँ, तू मेरी चला ले। कुछ चीजें होती ना वो हम पता नहीं क्यों गड़बड़ पे गड़बड़ करते रहते हैं। मतलब उसने मना भी किया, नहीं सरंज भाई मैं चला लूंगा, मैंने नहीं, मेरे को दे देना यार, फ्रेंड ही चला लेता हूँ, आज क्या हुआ, तू मेरे स्कूल चला ले। और सबका यही था, अगर हर्षिता होती तो नहीं गिरते, क्योंकि मैं फिर वो बेवकूफी नहीं करता ना कि उस बाइक को उसके लिमिट्स से ज्यादा पुश कर रहा हूँ। राइट, तो क्योंकि मैं ऑफ रोड लवर हूँ बहुत ज्यादा, मतलब जहाँ आपको रास्ता नहीं भी दिखेगा वहाँ पे भी मैं चला जाऊंगा। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता भेज भी देते हो, हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम स्कूटी, देन पैशन, देन अब मेरे पास एक ऑफ रोडर है एक्सपल्स, तो बहुत 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे उस चीज में, पर्टिकुलर चीज में। ओके, तो लाइक ऐसी वाली प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में? कैसे हैंडल करते हो आप, पंक्चर हो गई आपकी अचानक से आपकी बाइक? हाँ, मतलब ऑफन मतलब तो, चलता रहता है ये तो चलता पार्टन। है ये तो, जब आप घर से निकले हो तो सब कुछ स्मूथ होगा ये तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। तो पेट्रोल खत्म हो गया कभी,
तो पेट्रोल तो आज तक नहीं हुआ, टचवुड नहीं हुआ, नहीं हुआ खत्म, लेकिन पंचर हुआ था एक बार दो बार। तो अगर सामान है तो मैं खुद भी बना लेता हूँ, और सामान नहीं है, जैसे लेह में हमारे साथ हुआ था, तो हमारी बाइक पंचर हुई उस पर। तो मतलब आपको मैं बताऊंगा कि दोनों तरफ बैग्स हैं, हर्षदा जहाँ बैठी है उसके पीछे भी बैग, दो बैग बंधे हुए हैं, और इतनी, क्योंकि वो बाइक वैसी भारी है, अब वो इतनी भारी हो चुकी है कि वो मेरे से तो अकेले से नहीं मतलब उठने तो उस वाला। बैग को देख के लग नहीं सकता है कि कोई पीछे बैठ सकता है, तो वो इतना इतना सारा लगेज लगेज था। है, क्योंकि एक महीने के लिए आप निकले हो, तो आपको गर्म कपड़े भी चाहिए, उसकी बाइक के सारे टूल्स भी चाहिए, खुद के कैमरा गैजेट्स और वो सब भी चाहिए, तो इवन ईटेबल्स भी चाहिए। ईटेबल्स भी चाहिए, अगर कहीं खराब हो जाए तो क्या करोगे। और मतलब वो तो बड़ा बड़ा भारी दिन था हमारे लिए। तो जब मैं मानता हूँ कि लोग मिल जाते हैं आपको जो आपकी हेल्प करेंगे, उस टाइम पे 30-40 गाड़ियां निकली, कि कोई नहीं रुका, पर एक व्हीकल आया, उसने पूछा क्या हुआ, मेरा ये दिक्कत है, बोला आगे मिलेगा, मेरा मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो उसने अपने व्हीकल पे लोड किया मेरी बाइक को, पीछे उसके डाला था, तो ओपन ओपन था उसके पीछे, मतलब उसने लोडिंग ही लोड था किया, लोडिंग ही वहां। था एक तरह से वो, और वो लेके गया हमें, क्योंकि हम थे खारदुंगला से नीचे उतर रहे थे, खारदुंगला से तुरतुक, तुरतुक गए थे हम और एक लोग। मैकेनिक के बस बीच में 400 किलोमीटर में। और वो मतलब रोड ऐसा है कि मतलब नुब्रा के बाद अगर आप देखोगे ना, तो आपको गाड़ियां मिल जाएं तो बहुत लकी हो आप। मतलब हम लोग गए थे शायद 5-6 बाइक्स ही मिली होगी हमें, उसके बाद मिली ही नहीं उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। मतलब हमारे ऊपर तो ऊपर हाथ है, हाँ मतलब सर के ऊपर भगवान का हाथ है, कुछ ना कुछ कुछ होता ना है। कुछ, कोई ना कोई आएगा हेल्प करने के लिए। प्लस हमारा इतना कॉन्फिडेंस हमें इसलिए भी है क्योंकि पूरे इंडिया में एक बाइकिंग कम्युनिटी में अच्छा नाम है, अच्छे लोग जानते हैं, तो और अगर हमें नहीं जानते तो हमारे सीनियर्स को जानते हैं। जैसे मैंने प्रवीण भैया का नाम लिया, तो प्रवीण भैया को काफी लोग जानते हैं, शशांक भैया को काफी लोग जानते हैं, तो मैं उनको फोन कर दूंगा कि प्रवीण भैया यार ये दिक्कत आ रही है, तो प्रवीण भैया की जिम्मेदारी है, वो अरेंज करेंगे कि कौन पंचर लगाने आएगा, क्या होगा। तो वो एक ट्रस्ट है अपने राइडिंग बडीज पे, सीनियर्स पे, कि अगर कुछ भी होगा तो वो हैं जो संभालेंगे। टीम वर्क देखिए, हाँ टीम वर्क यही होता है कि ठीक है मैं एक फोन भी करूंगा ना किसी को, यस समबडी विल हाँ कम टू हेल्प मी आउट, बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल होती है देखिए बिल्कुल। टीम, एक क्लब अपना। सो मैम आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक एज पैसेंजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके शोल्डर्स पे? वो तो सर तो ही इज बिजी, उनका तो बहुत बड़ा काम है भैया, थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते अपनी सर अपने लाइक अपनी नजरों को भी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज अ पैसेंजर? मैं पीछे बैठ के सोऊं नहीं? हाँ आप सो जाती है? हाँ हाँ सर इज इट प्रैक्टिकल या मैं हाँ मजाक में बोल हाँ रही अरे है? नहीं 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 मैं नहीं सो जाती हूँ। तो आप सो कैसे सकते हो? मतलब टू व्हीलर पे बैठ के कोई कैसे सो सकता है? मैम क्या होता है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर आप करूंगा। शेयर करेगा सर? जब हम लोग इतने लंबी राइड्स पे जाते हैं ना, तो मिनिमम एक बैग तो बनता है, उसके ऊपर एक और अगर बहुत तो लंबा मतलब वो कर रहे मेरे हैं, लिए सोफा हो जाता है कंफर्टेबल, मतलब आप उसको पीछे भी पीछे करोगे से ना। पूरा अच्छा हाँ खासा सपोर्ट। हाँ और मतलब अच्छा मुझे इतना सेंस रहता है कि अगर ब्रेकर आया और ये हल्की सी भी ऐसे हुई, तो मैं वहीं पे एक हाथ से इसका हाथ पकड़ लेता हूँ कि सही है ना, हाँ सही ये सोने वाली है। जग रही है, सो रही है, क्या कर रही है। क्योंकि हम लोगों को मोस्टली अगर हम 9-10 बजे हमें चेक इन करना होता है होटल में रात में, और हम 4-5 बजे वापस निकल जाते हैं, और 10 बजे जब हम चेक इन करते हैं तो उसके बाद दिन भर जो भी शूट करा है उसको लैपटॉप में ट्रांसफर करना, सारी चीजें हाँ रहती है, तो सोते दिन सोते बहुत लेट भर हो की जाते हैं। थकान, फिर वापस से 4-5 बजे उठ के पूरा बैग सेट करना, गाड़ी पे पूरा लगाना, वो सबसे बड़ा टास्क सबसे बड़ा होता टास्क है। बंजी बांधना। ओके बंजी बांधना बोलते हैं हाँ उसको। मतलब वो जैसे बैग होते हैं ना, तो कुछ में तो ऐसा ऑप्शन होता है कि आपने फिट कर दिया, पर कुछ बाइक्स में अगर आपने वो चीजें नहीं खरीद रखी है, तो अगर आपको बैग बांधना है, तो आपको वो इधर से बांधना पड़ेगा, फिर बीच में बांधना पड़ेगा, उसको अटैच करना होगा राइट हैंड साइड पे, ताकि वो हिले नहीं, गिरे नहीं। मतलब हम लोगों के सबसे टफ टास्क होता था कि यहाँ चेक इन करना है तो सबसे पहले पीछे देखने पड़ता था कि इसको उतारना पड़ेगा। पहले तो वो पूरा सामान उतरेगा, फिर वो होटल में जाएगा, फिर अगले दिन वापस उसको लगाना है, नहीं बहुत बड़ा टास्क होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वो तो रोना बिल्कुल, आया था आप अपना। ट्रैवल करो ना, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार, मतलब एक बैग अलग से हम बनाते हैं कि ये हमारा नाइट वेयर है और हाँ फिर सुबह जब निकलेंगे तो ये पहन के निकलना पड़ेगा हाँ अपने को, बिकॉज यू कैन नॉट टेक ऑल दोज बैग्स आउट, मतलब बार बार हाँ हाँ निकालना हाँ रखना बहुत हैवी टास्क होता है। लाइक सपोज आप मूव कर रहे हैं, फोन कॉल्स की फ्रिक्वेंसी, मतलब आप सारे फोन कॉल्स अटेंड करते हैं या आप अवॉइड करते हैं? मैं पीछे हूँ तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अटेंड कि करती हैं सारे हाँ, कॉल्स, क्योंकि ये अगर होता है। सारांश कॉल नहीं उठा रहा तो पता है कि हर्षिता फोन उठा लेगी वो राइट पे। ओके ओके और आप जब राइड करते हैं? तब मैं फोन बिल्कुल पे नहीं, नहीं नहीं, रोक उठाते। के ही बात करता हूँ मैं,
क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो, क्योंकि बाइक चल रही है 100, 110, 90, 80, 80 जो भी उस की स्पीड लिमिट है या फिर जो भी वो रोड हमें अलाउ कर रहे हैं right. तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं फोन पे बात करूँ. मैं भी अलाउ नहीं करती कि मत उठाना फोन, मैं मेरे पास आ जाएगा वो. हाँ नहीं बिल्कुल सही है. एंड सी दिस इज व्हाट अ प्रोफेशनल पर्सन इज. ये रूल है कि आपको नहीं उठाना चाहिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें तो हमारा. नहीं दैट्स ग्रेट सर. आपकी जर्नी में कभी ऐसा हुआ कि यू माइट हैव हिट समबडी एक्सीडेंटली? ठोके हैं क्या अपन कभी? याद नहीं आ रहा. नहीं ऐसा तो नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. नहीं हुआ. नहीं हुआ कभी भी. नहीं किसी ने आपको पीछे से? नहीं नहीं. आपने किसी को आगे से? नेवर. एक्चुअली हम लोग जब भी लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो जो हमें रोड्स पे मिलते हैं वो भी बाइकर्स मिलते हैं, तो उनको पता है कि रूल कैसे फॉलो करना है. मतलब जब आप ले या लद्दाख जा रहे हो इधर बड़ी क्या होता है मैम, टचवुड अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो कि हम किसी को मारे या कोई हमें मारे. लेकिन अवेयर बहुत जरूरी है राइडर. मतलब अगर आप यूं मान के चलें कि मेरी आईसाइट बहुत अच्छी है अभी तक, तो टचवुड अगर उस रोड पे कोई कुत्ता भी इधर से इधर आ रहा होगा, कोई गाय भी आ रही होगी ना, तो भी मुझे पता होगा कि वो हो रहा है. मैं तो देखती रह जाती हूँ कहाँ कहाँ क्यों निकल गया. अच्छा तो ये मतलब अच्छी चीज है. पीछे आजकल के लड़के क्या करते हैं ना कि कहाँ सटाते हैं, सबसे पहले बाइक लेते मिरर सटा देंगे. वो मिरर्स तो बहुत बहुत जरूरी चीज है. मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप इतना लंबा स्ट्रेच करोगे और आपको कांच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिर बार बार पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या हो रहा है, कोई आ तो नहीं रहा. तो मिरर्स बहुत जरूरी है. हालांकि उसमें भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है लेकिन फिर भी वो 90% कवर करता है. 10-15% आपका आपको हल्का सा देखना ही पड़ेगा मुड़ते टाइम, लेकिन फिर भी वो एक बहुत जरूरी चीज है. तो मुझे पता रहता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितना दूर है, कितना नहीं है. अगर मैं टर्न लूंगा तो दिक्कत आएगी, क्या रुकना है नहीं रुकना. और फिर पीछे अर्षिता तो बैठी है, किससे पूछ लेता हूँ कि गाड़ी कितनी दूर है. वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी होती है, आपने पूछा था गाइड करना. राइट. हाँ ये देखिए आपकी रिस्पांसिबिलिटी आई है. गाइड करना, मैप चलाना, पूरा गूगल मैप मेरे हाथ. गूगल मैप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से अर्षिता चलाती है. मतलब मैं तो यही सोचता रह जाऊंगा ऊपर जाना है नीचे जाना है. और कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं होता, मैप गलत लोकेशन बताता है, और फिर हम ये सोचते जाते हैं अगर ये कोई फेमस जगह है तो इसका बोर्ड क्यों नहीं है. अरे ये तो बहुत होता है हमारे साथ. होता है कई बार तो हम बोर्ड का कितना वेट कर रहे होते हैं, कई बार तो हम शॉप्स में ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पता नहीं पता नाम लिख जाए कि सिटी का नाम आ जाए तो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम सही चल रहे हैं. यस यस यस. राइट मैम. राइट राइट. कभी आपने ऐसा कुछ देखा कि आपके साथ कोई एग्रेसिव बाइकर हो आपके क्लब में, आपके ग्रुप में, कैसे डील करा आपने? मैम क्या है कि मेरा ये मानना है कि जैसा सेनापति होता है सेना वैसी हो जाती है. ये मतलब मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं ठीक है सर. तो, जैसा राजा वैसी प्रजा. हाँ राइट. तो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब जिनको रूल्स फॉलो नहीं करने या फिर जिनको अपनी चलानी है, वो लोग हमारे साथ एसोसिएट होते ही नहीं है. या वो एक राइड पे आते हैं और दूसरी बार नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि हम बहुत सीरियस लोग हैं. मतलब मतलब मैं तो बिल्कुल ही नीरस आदमी हूँ. सही बताऊँ आपको, मतलब मुझे ना मैं मतलब जैसे ड्रिंक करता ना मैं सिगरेट्स कुछ भी नहीं, नॉर्मल. तो ऐसे जो लोग हैं जो ड्रिंक करके बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं, वैसे भी मुझसे बात नहीं करते. दूसरा मैं बहुत सिंपल बाइक चलाता हूँ, कोई इधर उधर घूमना फिरना रोड स्टंट्स नहीं दिखाने. एक टाइम पे करते थे. अच्छा जब हम बिल्कुल सबने करे हैं, सब बिल्कुल बालक था जब मैं 10th 11th से भी पहले 10th 11th के टाइम पे या 12th के टाइम पे. पर अब तो बहुत झूठ भी क्यों बोलना. अब तो बिल्कुल भी नहीं. और ऐसे लोग हमसे बात भी नहीं करते, उनको पता है हम बहुत सीरियस हैं. हम लोग यहाँ जाएंगे एक, अगर आप मानेंगे जब हम कोटा ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं, आप मान लो कि मैं सामने वाले रोड से ही निकल रहा हूँ तो भी रोड का एक लेन पूरा खाली रहेगा. हम चाहे 100 लोग हो उस राइड पे, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, दो लाइन में ही गाड़ियां चलेगी तो दो लाइन में ही चलेगी. उसमें कोई भी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो अलग हो जाए, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन है प्रॉपर कि आपको ये मतलब नहीं करना तो नहीं ही करना. ये रूल्स हैं और आपको मानने ही पड़ेंगे. अगर आपको मानना है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं. क्योंकि मैं आपकी वजह से तो लोगों की जान रिस्क पे नहीं ले सकता ना. तो एक ये रहता है. तो ऐसे लोग हमारे साथ एसोसिएट होते ही नहीं है बहुत ज्यादा. ओके चिल रहते हैं सब लोग और सब इतने मतलब ये ग्रुप से ज्यादा फैमिली बन चुका है. मतलब अगर मैं स्टेशन पे भी फोन कर दूंगा कि जीतू भैया या फिर मेरे दोस्त हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो वो सब को फोन कर देंगे, चलो 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 बैठेंगे 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 चाय पियेंगे.
तो वो सबको पता है कि हमारा नेचर कैसा है, हमें पता है कि उनका नेचर कैसा है, और वो धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है लोगों को. ओके, कभी ऐसा हुआ कि द कॉप पुलिस इज आफ्टर यू और आप भाग के निकल गए? नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स? मैं तो रोक लेता हूँ गाड़ी, भाई जो चलाना अच्छा, भर लेंगे, आ जाओ पूछ लो. हाँ, जो भी चलान वाला है, क्योंकि कुछ होना जाना नहीं है, उन्होंने नंबर तो नोट कर ही लिया होगा, घर पे आ ही जाएगा. हाँ, क्या मतलब, अभी हो सकता है कि हमारा चालान कटा हो जयपुर में. नहीं नहीं, मतलब देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर दैट एडवेंचर इज डेफिनेटली अ पैशन टू फॉलो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. फॉलो भी करने चाहिए मैम, लाइफ इजी हो जाती है. सो लाइक नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कम टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेस सेशन. सो लाइक एक राउंड होता है हमारा व्हाट एंड व्हाई. तो मैं दो ऑप्शंस दूंगी, एक क्वेश्चन सर आपके लिए, एक मैम के लिए होगा. आपको एक चूज करना है, देन यू हैव टू टेल आल्सो व्हाई. सो टू बिगिन विथ, लाइक सर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको ठीक है जाना है, राइड पे जाना है, एंड देन आपकी वाइफ भी इंसिस्ट कर रही है कि मैं जाऊंगी, आपका फ्रेंड भी आपको बोल रहा है कि मैं चलूंगा तेरे साथ, आप चूज कर लो. दोनों में से एक चूज करना. यस यस. तो फिर तो अल्टीमेटली हर्षिता. ओके, व्हाई, व्हाई नॉट फ्रेंड? क्योंकि ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त यही है, तो हमने बहुत कुछ देखा है जीवन में साथ में, इतनी सी ही लाइफ है अभी तो, है ना. तो यही सपोर्ट सिस्टम है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यही है, मैं जिससे लड़ता हूँ झगड़ता हूँ वो भी यही है, तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं इसमें. तो जाना है तो अर्चना के साथ जाना है. राइट. अनियन पराठा या पनीर पराठा, क्या पसंद करोगे आप? आलू और अनियन? नहीं, आलू तो है ही नहीं. अच्छा, एक अनियन पराठा है और एक पनीर पराठा. पनीर पराठा क्यों, ये भी बताना है. जब हमें पहाड़ों में हम लोग गए थे तो अनियन नहीं मिला, तो हम पनीर पराठा ऑप्शन चूज करते. अच्छा, तो इसलिए आप पनीर पराठा खाने की आदत हो गई. ओके, ग्रेट. मतलब आपने रोड ट्रिप्स ने आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर ली. सेट हो चुकी है. सर लाइक जस्ट आई विल गिव यू द ऑप्शन बिटवीन टू बाइक्स. आपके पास अभी कौन सी बाइक है वैसे? एक्सपल्स. एक्सपल्स, अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता एक्सपल्स कौन सी होती है, बट आई विल फाइंड आउट वंस आई गो बैक. सो इफ यू, आई गिव यू एन ऑप्शन, लाइक दो मैं आपको दे रही हूँ, कावासाकी निंजा H2R, यही नाम है. हाँ. ठीक है, और दूसरी है सुजुकी हायाबुसा. प्रोनंसिएशन ठीक है कि नहीं है मेरा? सही है. अच्छा, अब चूज कर लो बाप, एक इसमें से चूज करना है. हाँ. मतलब मुझे देखो, मुझे लेवल नहीं पता, मे बी नहीं, क्योंकि मैं जो बाइक चलाता हूँ वो थोड़ी अलग है. मतलब ये दोनों बाइक, एक तो H2R अगर आप बात करें तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है. ओके, तो यू विल गो विद H2R. काइंड ऑफ. अच्छा, लेकिन मैंने हायाबुसा का नाम सुना हुआ है, क्योंकि वो क्या धूम आई थी मूवी, है ना. अच्छा. तो उसमें जो जॉन अब्राहम बाइक चलाता था वो हायाबुसा थी. हाँ. तो तब से हायाबुसा तो हायाबुसा ही है फिर. अच्छा, लेकिन H2R का अलग सेगमेंट है, अलग चीज है. ओके, सपोज मैम आपको ट्रैवल पे जाना है, आप वहीं जाओगे क्योंकि है ना, वहीं जाओगे अल्टीमेटली. तो सीजन, इफ आई टॉक अबाउट, आप स्प्रिंग सीजन में प्रेफर करोगे या आप बारिश वाले मौसम में जाओगे? आप स्प्रिंग. क्यों? बारिश में रिस्की रहेगा थोड़ा सा. ओके. क्योंकि हम लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो पूरा लगेज को कवर करना, रोड थोड़े स्लिप होते हैं, स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो जहां हमें जितने टाइम में पहुंचने हैं वहां डबल टाइम लग रहा है, तो हमारा ट्रैवल टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए. ओके ओके ओके, राइट. Now, if I talk about four wheeler and two wheeler, नहीं, आप definitely two wheeler ही लोगे. मैं अगर बात करती हूँ ट्रैफिक जाम की, है ना, जब ट्रैफिक जाम होता है सारी गाड़ियाँ खड़ी होती, फोर व्हीलर, टू व्हीलर ऐसे जा रही होती है, क्या फीलिंग होती है वो एक्सप्रेस करो. वो मैम भी बताएंगी अलग से और आप भी बताइए. मैम क्या, मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट है ऋषिकेश, जब हम लोग गए थे केदारनाथ, हम जब लोग तो ऐसा जाम था कि मतलब अगर 3 घंटे 4 घंटे भी खड़े रहेंगे तो खड़े ही रहेंगे. हरिद्वार से रुड़की वाला जो रूट था, बहुत, क्योंकि एक नया फ्लाईओवर बन रहा था, शायद अब बन गया हो या बन रहा हो पता नहीं. तो जब वो फीलिंग आई ना कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां वहां खड़ी हुई है, अपन छोटी सी धनों पर जा रहे हैं, बस साइड से निकल रहे हैं ट्रैफिक डॉज करते हुए, मतलब मजा आ गया, है ना. हाँ, तो वो जरूरी है कि हाँ क्या करोगे बीसी में बैठ के. एग्जैक्टली. मैम आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो शुरू से टू व्हीलर पसंद है, मतलब फोर व्हीलर पे मैं जाती ही नहीं हूँ कभी. इसका नहीं, आपकी फीलिंग बेसिकली,
सारी गाड़ियां खड़ी है वहां पे, इसीलिए मुझे फोर व्हीलर पसंद नहीं है, बस मैं यही बोलती हूँ, अपन आराम से निकल जाएंगे। ओके राइट राइट, टाइम बचता है एक्चुअली, मीन टाइम बचता है टू व्हीलर, फोर व्हीलर में जिप्सी, हाँ फोर व्हीलर में जिप्सी। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं ये दिस क्वेश्चन इज लाइक आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब भी ट्रैफिक जाम लगता है ना तो बैठे हम तो भैया कार में, आई ट्रेवल बाई कार ओनली, लाइक तो मैं देखती हूँ टू व्हीलर वालों को ऐसे निकल रहे हैं ऐसे निकल रहे हैं, मतलब ऐसा इतना दुख होता है कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। यू टर्न लेने में भी प्रॉब्लम आती है फोर व्हीलर, मैं तो ऐसे 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 करके निकलता हूँ फिर बैठो मेरा दिन है मेरा टाइम है। हाँ अरे वो तो नहीं नहीं वो होता है, एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। नाउ सर आई जस्ट वांट कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कुछ हमारे व्यूअर्स को दें, टू ऑल द बाइक लवर्स एंड ऑल। स्ट्रॉन्ग मैसेज तो क्या देना है मित्रों, बस ये है कि घूमो फिरो और जब जो करने का मन है वो करो, क्योंकि क्या होता है हम सोचते रह जाते हैं कि तब करेंगे तब करेंगे, और वो समय बिलीव की आता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी करना है, दिक्कत आएगी है ना, ऐसा भी नहीं है कि घूमना फिरना या मतलब हर सबके लिए पैसे चाहिए, तो एक तो ये कि अपनी माने कैसे आपको पैसे कमाने उस स्किल्स पे ध्यान दो, साथ में कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी है, चाहे घूमने फिरना हुआ या फिर जो भी एक्स वाई ज़ेड डिसीजन हुए आपकी लाइफ के, पर वो ले लो, और जितना जल्दी ले लोगे उतना ज्यादा मजा आएगा जीवन में, बस यही है, मस्त मस्त रहो। हाँ और जरूरी है लास्ट क्वेश्चन एक, आप लाइक स्टीम बोट, स्टीम जो होती है अपनी स्टीम बोट्स पे आप राइड्स करवाते हैं चंबल रिवर के ऊपर जैसे आप करवाते हैं, तो वो जब आप करवाते हैं तो लाइक ऐसा नहीं होता कि जो घड़ियाल एलिगेटर्स क्रोकोडाइल्स इनका कोई डेंजर नहीं होता है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मैम इंसान ऐसा जानवर है ना कि उनको हमसे डेंजर है, हमें उनसे नहीं है, मतलब चाहे आप घड़ियाल लीजिए चाहे आप क्रोकोडाइल लीजिए, घड़ियाल तो हमारे इस बेल्ट में नहीं मिलते, धौलपुर और उस वाली बेल्ट में ज्यादा मिलते हैं। ओके लेकिन चाहे आप पैंथर हो गया चाहे टाइगर हो गया, ये कभी भी आगे होके मतलब 1% ऐसा होता होगा कि ये हम पे अटैक कर रहे हैं, 99% तो हम ही इनके जंगल काट रहे हैं। मतलब अगर सपोज आप बोट से ऐसे निकल रहे हो स्टीमर से नॉल, तो कोई घड़ियाल आ गया एलिगेटर, दे विल नॉट डू एनीथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से साइड से निकल जाएंगे। हां कुछ नहीं। ओके अभी मेरे पास रिसेंट वीडियो है, हम लोग पूरा उसके राउंड काटा है ना, एलिगेटर मतलब मगरमच्छ था, हमने पूरा क्रोकोडाइल के राउंड काटा बोट से, वो नीचे चले गए आराम से, हम निकल गए तो हमने देखा तो वापस वो ऊपर आ गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। सो आई विल जस्ट से कि पिछले 9 सालों से तो मुझे बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है, बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग कि हम करते हैं ये चंबल राइड एंड ऑल दैट, तो मुझे ये बोला जाता था नहीं वहाँ तो बहुत एलिगेटर्स है, वहाँ जाएंगे एलिगेटर्स एलिगेटर्स है, सो आई नेवर वेंट। नहीं बहुत सेफ है मैम, तो इट्स वेरी सेफ, लाइक बहुत सेफ है, बहुत सेफ। ओके 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 राइट, तो सर मे बी देखिए सून आई विल जॉइन, अरे फॉर श्योर ना, आपकी बोट राइड जो भी होती है आई वुड लाइक टू जॉइन दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू परिंदों का सफर, थैंक यू मैम बुलाने के लिए, फॉर बीइंग इन अ शो, एंड दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, मतलब नेचर लवर्स के लिए, थैंक यू, अ स्मॉल गिफ्ट ऑफ नेचर, बड़ा क्यूट है, हां ये अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आफ्टर टुडेज एनथ्रॉलिंग एंड एक्साइटिंग सेशन, द ओनली थिंग आई हैव लर्नड इज लाइफ में एडवेंचर बहुत जरूरी है, बट विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। द बिगेस्ट रिस्क इन आवर लाइफ इज व्हेन वी डोंट टेक द रिस्क। Taste your life, live with nature, and please don't forget to follow the rules of discipline. Kyunki agar aap disciplined rahenge, to hi hamari society productive, constructive, ethically and morally rich hogi. So with this, I sign off. Like, share and subscribe, and keep on adding your adventurous comments to the comment box. Thank you for watching me.